सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अजमेर 92 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। इसका हमने टीजर रिएक्ट किया था जो कि यहाँ पर आ रहा है एंड उस पर आपने अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक रेस्पॉन्स दिखाया। अब डाइव इन कर लेते हैं इस पे। सो लेट्स डाइव इन 3, 2, 1, लेट्स गो। छोरे, हमें थारी मदद चाहिए। ये रहा हमारी होने वाली बहू का फोटो। छोरे, ये पता करके बताओ कि कहीं हमारे होने वाली बहू का बलात्कार तो नहीं हुआ है। वाफिर उतना जानते हैं जितना हमने पढ़ा और सुना है, लेकिन 1992 में अजमेर में क्या हुआ था यह हकीकत मैं आपको बताता हूँ। लड़कियों ने किया शहर को गंदा। तुम पत्रकार लोगों को इतनी भी अकल ना? कैसी फोटो छापनी चाहिए, कैसी नहीं छापनी चाहिए है? लड़की पेट से थी प्रेग्नेंट, इसका मतलब यही हुआ ना कि लड़की अपनी मर्जी से गई, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। अगर ये सच है, उस पत्रकार को समझाइए, शहर की शांति न बिगाड़े। हो सबूत तो हमें चाहिए। अच्छा, पॉलिटिशियन होगा भी एक हद तक तुम्हारी मदद कर सकते। भाई सुसाइड कर रही है लड़कियां, समझते हो? उतना आसान नहीं है इस केस को बाहर लेके आना। इतनी सारी लड़कियों की इज्जत का सवाल है, उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा उनका। जीना हराम तो अभी भी है ना सर उनका, जब उनका मन करता है अपने फार्म हाउस बुलाते हैं, उनका रेप करते हैं। जो भी है गीता, मुझे सच सच बताओ कि ये क्या चल रहा है, कौन है ये लोग? ऐसी एक लड़कियां नहीं है, 200-250 लड़कियां शायद से। सब कुछ अपने घर वालों को बता दे। आज के बाद ये बात तेरी ज़बान पे नहीं आनी चाहिए। बहुत दुख होता है कि हम लड़कियां हैं। छोरी के माँ बाप होने का हर जाना तो भरना पड़ेगा ना जी। 1987 से चल रहा है ये सब, न जाने ऐसे कितनी लड़कियां होंगी। न्यूज वाली बात को लेकर उसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर शहर में दंगे करवाना चाहता है। उन सारे के सारे घिनौने कुकर्मियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दीजिए। सर, मुद्दा हिंदू मुस्लिम के दंगों का ना है, मुद्दा उन 250 छोरियों के बल। 250 कह रहा हूं ना मैं, मैंने नहीं देखा था ये नंबर। उन सब लड़कियों की नंगी फोटो किसी ने अपने फायदे के लिए पूरे शहर में बांट दी थी, और जिसके हाथ भी वो फोटो लगती सब उनको ब्लैकमेल करते और उनका रेप करते थे। इक्कीस जुलाई को वर्ल्ड वाइड ये मूवी आ चुकी है, मतलब आ चुकी है ये। मैं 21 जुलाई को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरा बर्थडे था तो मैं उसमें लगा हुआ था, ठीक है। और उससे पहले दिन मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए शूट नहीं कर पाया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ भाई। आज ही मूवी आ चुकी है ना, आज ही आप सबके मतलब आप ये देखने जा सकते हो अपने नज़दीकी थिएटर्स में, ठीक है। वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ इस मूवी का, एंड टॉपिक बहुत अच्छा है, वो मैं टीजर में बात सब कुछ कर चुका हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन डायरेक्शन कैसा कर रखा है, और अच्छा कर रखा है, म्यूजिक अच्छा यूज़ कर रखा है, ठीक है। और टॉपिक तो है ही, वो तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मतलब सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए कह सकते हो है ये टॉपिक, या फिर एक सच्चाई दिखाने के लिए है ये टॉपिक। और ये भी अच्छी बात है कि इस मूवी को शायद से बायकॉट नहीं किया गया है, शायद से, मुझे कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। कुछ इलाकों में या कुछ शहरों में शायद से इसको बैन कर दिया गया है, सुनने में आया था। वो शहर क्या है, कौन से हैं, मुझे कन्फर्म ये भी याद नहीं है, लेकिन किया गया है इसको। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सब स्टेट्स, जिन जिन स्टेट्स में या जिन जिन सिटीज़ में इसको बैन किया गया है, वहाँ से अनबैन हो ये मूवी एंड दिखाई जाए पब्लिक को। भाई कोई सी तो सच्ची मूवी दिखा दिया करो, गवर्नमेंट से यही मेरी गुजारिश है, ठीक है। कश्मीर फाइल्स नहीं, आपकी केरला स्टोरी नहीं, आपकी और आपका 72 हुरे नहीं, भाई कोई सी तो मूवी दिखा दिया करो, कोई सी तो दिखा दिया करो, थोड़ा सा तो शर्म करो। बाकी मैं चलता हूँ, यही कहना चाहता हूँ मैं इसमें, ठीक है। बाकी मैं चलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।